मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि मीडिया क्या होता है, और उसमें हमें पता चला कि मीडिया जो है वो मीडियम का प्लूरल वर्ड है, और ये वो सभी जरिए हैं, वो सभी माध्यम हैं जिनके थ्रू हम अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे तक अपने मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो मीडिया क्या है? क्या ये सिर्फ न्यूज़ चैनल्स से रिलेट करता है? तो नहीं, न्यूज चैनल्स जो हैं, रिपोर्टर्स जो हैं, वो मीडिया का एक पार्ट है। तो मीडिया एक बहुत ही बड़ी टर्म है जिसमें न्यूज चैनल्स, टीवी चैनल्स, रेडियो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और फोन, ये सभी जो है वो मीडिया का ही हिस्सा है। और आज हम अपनी लाइफ जो है इन सभी चीजों के बिना, मीडिया के बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप बताइए, क्या आप सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में इंटरनेट ना हो? हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमें लगा कि हमारी जो लाइफ है वो एकदम अधूरी रहेगी। हम बहुत सारे काम के लिए इंटरनेट पे डिपेंड करते हैं, और अगर इंटरनेट नहीं हुआ तो हम बहुत सारे काम जो है नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोग को तो आजकल फोन की आदत हो गई है, हैबिट हो गई है, और अगर उनके पास फोन नहीं रहता है तो उन्हें बेचैनी सी होने लगती है। तो इस तरीके से भी हमें कुछ लोग अब देखने मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम मीडिया के बिना अपनी लाइफ बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर सकते। और अभी रिसेंट टाइम में केबल टेलीविजन एंड सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट, ये जो दो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा लोगों के बीच में फेमस हुई है। लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल किया है, और लगभग पिछले 20 ईयर्स से ये एक बहुत ही तेजी से लोगों के बीच में बढ़ा है। इंटरनेट का जो यूज है वो लास्ट 20 ईयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि लगभग 20 ईयर्स पहले ही जो इंटरनेट वगैरह है ये हमारे सामने आया था। और आजकल तो ये एक हर एक पर्सन के लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। अब अगर हम कोई भी मीडिया देख लें, हम फोन देख लें, हम टीवी देख लें, रेडियो देख लें, या फिर ये इंटरनेट देख लें, इनसे हमें पता चलेगा कि इनमें कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो है वो यूज की जा रही है, राइट? और ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमेशा चेंज होती रहती है। टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेस कीप चेंजिंग, की मास मीडिया जो टेक्नोलॉजी यूज करता है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले वो लैंडलाइंस वगैरह वाले फोन थे, है ना, और फिर धीरे धीरे करके फिर वो सेलफोन्स आए, वो कीपैड वाले फोन्स आए, फिर स्मार्टफोन्स आए, अब उनमें भी चेंजेस आ रहे हैं। तो इस तरीके से हर चीज की टेक्नोलॉजी चेंज होती है। पहले जो टीवी थे वो किस तरीके थे, वो एंटीना वाले टीवीज होते थे, फिर धीरे धीरे करके केबल टेलीविजन वगैरह आए। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती रहती है। अब जिस टेक्नोलॉजी को कोई भी मास मीडिया यूज कर रहा है उसके बेसिस पर हम कुछ कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए। अब न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को, इनको हम क्या कहते हैं, प्रिंट मीडिया कहते हैं, राइट? प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें प्रिंटिंग होती है, इनमें कुछ ना कुछ प्रिंट करके लिखा जाता है और लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है ना। न्यूज़पेपर में क्या होता है, प्रिंट ही तो होता है, राइट? तो जो भी मीडिया है उनको हम उनके टेक्नोलॉजी के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गया, बुक्स वगैरह हो गई, तो ये किसके अंदर आएंगी, प्रिंट मीडिया के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया गया है। वहीं अगर हम टेलीविजन, रेडियो, इन सब की बात करें तो इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिकली चलने वाली मीडिया है ना, बिना बिजली के हम टीवी थोड़ी चला सकते हैं। तो एक प्रिंट मीडिया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, और इनके जो नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये इनके टेक्नोलॉजी के बेसिस पर रखे गए हैं कि इन मीडियाज में क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, राइट? अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी यूज होती है, एडवांस होते हैं, उनमें चेंजेस आते हैं, उसके मदद से मीडिया जो है वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, राइट? तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, जो मीडिया है वो और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। पहले मान लो मीडिया जो है एक शहर के लोगों तक पहुंच पाता था, पहले जो है सिर्फ एक शहर के लोगों तक कोई बात पहुंचाई जा सकती थी। अब चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ अब वो पूरे स्टेट के लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, फिर पूरे देश के लोगों तक पहुंचाई जा सकती है, राइट? तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंजेस हो रही है, मशीन जैसे जैसे न्यू मशीन आ रही है और एडवांस टेक्नोलॉजी हो रही है, तो इसकी मदद से क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मीडिया के मदद से पहुंचा जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो उसके साथ साथ साउंड की जो क्वालिटी है, इमेजेस की, पिक्चर की जो क्वालिटी है, ये सब भी चेंज होती है और बेटर होती है। बट ऐसा नहीं है कि चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमें सिर्फ यही फायदा हो रहा है कि इसके साथ ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सकता है या क्वालिटी अच्छी आ रही है साउंड एंड इमेजेस की।
इसके अलावा चेंजिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो नजरिया है अपनी जिंदगी को लेकर, हमारी लाइफ को लेकर, वो भी चेंज हो रहा है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, कि इन सभी चीजों से ज्यादा टेक्नोलॉजी करता है, वो हमारे लाइफ को और ज्यादा अफेक्ट करता है। कैसे? इट ऑल्सो चेंजेस द वेज इन विच वी थिंक अबाउट आर लाइफ। ये हमारे अपनी जिंदगी को देखने के नजरिए को अफेक्ट कर रहा है कि हम अपनी लाइफ किस तरीके से देखते हैं। जैसे कि आज हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा ये सोचना कि भाई अगर टेलीविजन यहाँ नहीं हुए, अगर हमारी लाइफ कैसी होती अगर टेलीविजन्स नहीं होते। हमें लगता कि भाई हमारी लाइफ तो मीनिंगलेस होती, हम क्या करते? अभी तो कुछ भी नहीं होता तो हम मूवी खोल के बैठ जाते, हम टीवी देख लेते, हम फोन यूज करने लगते। तो हमारे लिए टेलीविजन, फोन, इंटरनेट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है और हम अपनी लाइफ को इन सब चीजों के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। तो देखा किस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुई, वैसे वैसे हमारा हमारी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो गया। अब हम अपनी लाइफ को बिना इन चीजों के नहीं इमेजिन कर सकते और बहुत ही खाली महसूस करेंगे अगर ये सभी चीजें हमारी लाइफ से चली गई। इसके साथ साथ टेलीविजन की वजह से हम अपने आप को एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा मान पा रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन की वजह से क्या होता है, टीवी से हम दुनिया के किसी भी कोने की बात हम तक पहुंच सकती है, राइट? कि न्यूज चैनल्स में जैसे कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वो तो रशिया एंड यूक्रेन में हो रहा है ना, तो उसकी न्यूज हमसे कितने किलोमीटर दूर है, वो हजारों किलोमीटर दूर है, बट फिर भी उसकी न्यूज हम अपने घर में बैठ के देख पा रहे हैं, राइट? तो हम अपने आप को एक वर्ल्ड से जोड़ पाते हैं और ये महसूस कर पाते हैं कि हम एक पूरे दुनिया का एक हिस्सा है। अपने आप को हम ग्लोबल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाते हैं, एक मेंबर की तरह देख पाते हैं। तो जो टेलीविजन इमेजेस हैं वो बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस को ट्रेवल करती हैं थ्रू सेटेलाइट्स एंड केबल्स। तो टेलीविजन कैसे चलते हैं? सेटेलाइट्स की मदद से चलते हैं, कि इनमें क्या होता है जो सिग्नल्स वगैरह हैं वो सेटेलाइट्स तक जाते हैं, फिर वो सिग्नल्स जो हैं वो हमारे जो डिशेस आप देखोगे केबल्स होती हैं वो सिग्नल्स कैच करती हैं, राइट? तो उसकी मदद से हमें फिर चैनल्स दिखते हैं। तो जो इमेजेस हैं, जो भी पिक्चर्स वगैरह हैं, वो सैटेलाइट्स एंड केबल्स के थ्रू बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस जो हैं वो ट्रेवल करती हैं, कि इन्हीं के मदद से तो आज हम दुनिया के किसी भी कोने की जो न्यूज़ है, किसी भी कोने में कुछ भी घट रहा है, वो टीवी में देख पाते हैं। कैसे? सैटेलाइट्स एंड केबल्स की मदद से। और ऐसा भी है कि जैसे बहुत सारी मूवीज वगैरह हैं जो कि हॉलीवुड में बनी है, बहुत सारे कार्टून हैं जो कि दूसरे देश में बने हैं और आज हम उसे अपने देश में बैठ के देख पा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन टेलीविजन आर मोस्टली फ्रॉम जापान और द यूनाइटेड स्टेट। तो ज्यादातर जो कार्टून वगैरह हम देखते हैं वो कहाँ पे बने होते हैं, या तो जापान में या फिर यूनाइटेड स्टेट्स में, इन सब में बने होते हैं। बट क्या है, हम आसानी से बैठ के अपने देश में इंडिया में बैठ के देख पा रहे हैं, राइट? और इसी तरीके से हम चेन्नई में बैठ के कोई भी अगर कोई स्टॉर्म आ रहा है, कोई फ्लड आ रहा है फ्लोरिडा में, तो वो हम आसानी से देख सकते हैं, राइट? क्योंकि वही कि दूसरे कोने में क्या हो रहा है वर्ल्ड के, वो हम अपने घर में बैठे बैठे आराम से जान पाते हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी की वजह से। और टेलीविजन की वजह से हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो हमारे और ज्यादा पास आ गया है, और ज्यादा नजदीक आ गया है, राइट? कि पहले हमें हमारे शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, उससे बाहर की बातें नहीं पता चलती थी, राइट? कि जब तक ये टीवी वगैरह कुछ भी नहीं थे तब तो लोगों को सिर्फ अपने गाँव की बात पता चलती थी, कि अच्छा चलो भाई चार लोगों से सुन लिया गाँव में क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे थोड़ी बहुत और टेक्नोलॉजी बढ़ी और नए नए मीडियाज आए, तो उसकी वजह से पता चलने लगा भाई शहर में क्या हो रहा है। फिर और टेक्नोलॉजी बढ़ी, उससे पता चला भाई देश में क्या हो रहा है। और टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उससे क्या पता चला कि भाई वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो हमारा जो धीरे धीरे करके पूरी दुनिया जो है वो बहुत ही छोटी बन गई है ना। आज मैं कोई भी मैसेज डाल रही हूँ तो जैसे कहीं पे मान लो मैं ट्विटर पे कोई ट्वीट करती हूँ तो वो वर्ल्ड के हर हिस्से में जहाँ पे लोग ट्विटर यूज करते हैं वहां तक वो पहुंच जाएगा। तो मैंने तो सिर्फ अपने यहाँ पे घर पे बैठे बैठे कोई भी चीज देखी, बट वो पता नहीं दुनिया के किस कोने में लोग उसे देख रहे हैं। जैसे कि अभी मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हूँ तो इसे वर्ल्ड में कहीं पे भी जब कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, यूट्यूब यूज कर रहा है, तो वो इस वीडियो को कहीं पे भी देख सकता है। तो दिस इज हाउ दिस वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज एंड वी हैव कम क्लोजर टू ईच अदर, राइट? तो बेसिकली इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मीडिया की जो पावर है वो भी चेंज हो रही है। टेक्नोलॉजी के साथ क्या हो रहा है कि मीडिया जो है ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहा है, राइट? और टेक्नोलॉजी के वजह से क्या हो रहा है कि हम अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देख पा रहे हैं, राइट? कि टेक्नोलॉजी ने सिर्फ ऐसा नहीं किया कि हमें अलग अलग मीडियाज दिए हैं, अच्छी साउंड, अच्छी पिक्चर, न्यूज चैनल्स और ये सब दिए हैं, इसके साथ साथ ये हमारे नजरिए को भी अफेक्ट करता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से देखते हैं। और पूरा वर्ल्ड जो है वो मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की वजह से एक पास आ गया है, हमें
हम एक दूसरे से बहुत इजीली कनेक्ट हो सकते हैं।